इमरान खान लंदन से वतन वापस पहुंच गए। कप्तान कहते हैं हुक्मरान आवाम से मजाक कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के सिवा कोई कमीशन कबूल नहीं, मुतालबा ना माना गया तो सड़कों पर आएंगे। दुआ है वजीर आजम जल्द सेहत याब होकर वतन लौटे। तहरीक इंसाफ का हम मुशावरती इजलास की आज शाम 5 बजे बनी गाला में तलब। करप्शन के इल्जामात, ब्राजील की सदर के मुआखजे की तहरीक ऐवान ज़ेरी में मंजूर। मुआखजे का मामला अब सेनेट में जाएगा। वोटिंग के दौरान ऐवान में शोर शराबा। दारुल हुकूमत में सदर के हामियों और मुखालफीन के मुजाहरे। पनामा स्कैंडल की तहकीकात के लिए आज कमीशन का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। वफाकी वज़रा का अहम इजलास में आज इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में जासूस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी की सरबराही में कमीशन बनाने की मंजूरी दी जाएगी। छोटू गैंग को हथियार डालने की मोहलत खत्म होने के बाद हतमी कार्रवाई किसी भी वक्त मुतवक्के। पाक फौज के जवानों की छोटू गैंग के ठिकानों की जाने पेशकदमी। दरिया के किनारे पर मोर्चाबंदी, 6 किलोमीटर का इलाका सील। तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। 24 पुलिस एहलकार ताहाल यकमात। हज दरख्वास्तें आपसे 26 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। पाकिस्तान के हज कोटे में 20% कमी। इस साल 1,43,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। 86,021 आजमीन सरकारी स्कीम के तहत हज करेंगे। कराची और हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। लतीफाबाद में मारे गए डाकू संगीन वारदातों में मतलूब थे। डकैती और कत्ल का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। दिल्ली कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 10 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। फैसलाबाद में लोग लुटते रहे, पुलिस सोती रही। समंदरी रोड पर 57 अफराद को मालो जर से महरूम करके पोल्ट्री फार्म में फेंक दिया गया। खवातीन से भी बदतमीजी, पुलिस के ताखीर से पहुंचने के खिलाफ मुतासरीन का शदीद एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। ओपेक कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गईं, 5% से ज्यादा कमी। ओपेक मेंबरान में तेल की पैदावार मुंजमद करने पर इत्तफाक नहीं हो सका। ईरान इजलास में शरीक नहीं हुआ। एक्वाडोर का हौलनाक जलजला, गली मोहल्ले वीरान, हर तरफ बर्बादियों की दास्तान। हलाकतें 262 हो गई, हजारों अफराद जख्मी, सैकड़ों इमारतें गिर गईं। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयां जारी। और पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की तकमील के लिए इजलास आज होगा। इंजमाम उल हक से भी मुशावरत की जाएगी। जराए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के 3 अरकान पीसीबी, 2 इंजमाम की मर्जी के होंगे। मिसबाह उल हक और यूनुस खान को बतौर मुशीर शामिल किया जाएगा।